गाइज वेलकम बैक टू तो माई चैनल स्टॉक सेंस तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेंथ ऑफ जनवरी 2024 की जो एक्सपायरी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक वोलाटाइल थी तो अगर उस सिचुएशन में आप आइन फ्लाई डिप्लॉय करते तो आपको क्या कुछ रिटर्न आते कैसे एडजस्टमेंट्स रहती जो सारे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलेंगी आपको क्योंकि एक्सट्रीम वोला टाइल एक्सपायरी थी तो आपको कुछ नए एडजस्टमेंट्स भी सीखने को मिलेंगे इस वीडियो में और जो लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो स्टॉक साइंस जो चैनल है यहाँ पे आपको मोस्टली आइन फ्लाई के रिलेटेड ही एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेगी जो कि मैं पिछले तीन साल से फॉलो करते आ रहा हूँ लाइव मार्केट में तो अगर आपको फ्लाई के बारे में बहुत कुछ सीखना है एडजस्टमेंट्स देखनी है तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो ठीक है तो सीधे हम चलते हैं स्टॉक मॉक पे ठीक है और हम जाते हैं थर्ड ऑफ जनवरी क्योंकि हम टेंथ ऑफ जन की एक्सपायरी करेंगे तो ऑब्वियसली थर्ड जनवरी को एट द टाइम ऑफ डे क्लोजिंग मतलब लगभग अराउंड सवा तीन बजे के आसपास uh, हम न्यू एन फ्लाई डिप्लॉय करेंगे फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी ठीक है मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट करता हूँ जो फिर आपको अच्छे से दिखेगा ठीक है तो यहाँ पे टेंथ ऑफ जनवरी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे स्टार्टल हम सेल करेंगे फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड एंड जो भी स्टाडल का प्रीमियम होगा वो लगभग सेवन हंड्रेड के आसपास दिख रहा है हमें तो सेवन हंड्रेड पॉइंट्स अवे हम कॉल का हेज बाय करेंगे एंड सेवन हंड्रेड पॉइंट्स डाउन हम पुट्स का पुट का हेज बाय करेंगे यहाँ पे सेवन हंड्रेड पॉइंट्स यहाँ पे ठीक है और वो ये स्ट्रेटजी हम दो ही लॉट में करेंगे मिनिमम दो लॉट से करेंगे क्योंकि दो लॉट के लिए हमें मार्जिन लगेगा इंक्लूडिंग ऑल द एड वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है एटी एट थाउजेंड ये की डिप्लॉयड है 8, 000, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट्स ये एक लाख साठ हज़ार तक जा सकता है तो हम जो भी आर कैलकुलेट करेंगे वो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड पर करेंगे नाकि डिप्लॉयड कैपिटल के यहाँ पे ठीक है तो देखिए हम एडजस्टमेंट इनिशिएट करते हैं ठीक है तो हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे दस बजे से पहले कुछ भी एडजस्टमेंट्स होगी नहीं एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट जो कर रही है ठीक है एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट एक्ष्ट जो भी हमें कर रही है एंड फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे जो भी एडजस्टमेंट है ठीक है तो सीधा मैं फिफ्टीन फ़िफ्टी मिनट से आगे चला जाता हूँ वह यहाँ पे एग्जैक्ट फिफ्टी मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा एग्जैक्ट दस बजे की कैंडल क्लोजिंग कैंडल है तो मैं सीधा चलता हूँ कुछ एडजस्टमेंट्स होती या नहीं देखते हैं हम फिफ्टी फिफ्टीन देखिए हमें एडजस्टमेंट कब करनी है ये जो हमारे अपर साइड के ब्रेकि फोटी एट वन एटी सिक्स एंड फॉर द डाउन साइड फोटी सेवन टू वन थ्री तो राउंड फिगर हम मान लेते हैं फोर्टी एट टू हंड्रेड के ऊपर अगर फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोज हो uh, या फिर फोर्टी सेवन टू वन थ्री के नीचे फिफ्टीन मिनट में तो फोर्टी सेवन टू हंड्रेड के नीचे कोई फिफ्टीन मिनट कैंडल आप राउंड फिगर ले सकते हैं या फिर अगर आपके जो ब्रेक यूंस है इसके आसपास कोई सब मेजर सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस है सपोर्ट यहाँ पे और रेजिस्टेंस अपर साइड पर तो राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन नहीं फॉलो करते तो आप सीधा देख सकते हो कि अगर यहाँ पर मानो फोर्टी uh, के आसपास है अगर अपर साइड ब्रेक के तो ऑब्वियसली आप 49,000 ब्रेक होने तक रुक सकते हो सो पॉइंट तक ठीक है तो ऐसा नहीं कि कट टू तो कट एडजस्टमेंट करनी है थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हो क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत मच बेटर आपको रिज़ल्ट आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट हम आगे चले जाते हैं लगभग ब्रेक इवन के आसपास ही आया है हमारा यहाँ पे आप स्पॉट प्राइस देख सकते हो यहाँ पे ठीक है और ये ब्रेक यून है हमारा यहाँ पे हमारा ब्रेक यून ब्रीच हुआ है। मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज अबाउट दी सी साइड ब्रेक यून ठीक है तो एडजस्टमेंट क्या करनी है ये जो ब्रेक uh, यून है राउंड में कन्वर्ट करके लेना है जो कि आएगा राउंड नंबर में फोर्टी तो फोर्टी एट टू हंड्रेड हम शॉर्ट करेंगे हाफ क्वांटिटी से मतलब जितने भी लॉट से जा रहे हो आप उसके हाफ क्वांटिटी में हम शॉर्ट करेंगे एंड कोई भी हम लेग नेकेड नहीं लेके जाते मतलब उसके लिए हमेशा एक हेज खड़ा रहता है तो टेन रुपीज़ के आसपास वाला हम हेज भी, भी बाय करेंगे ठीक है एंड अभी देखिए यहाँ पे अभी दिक्कत डाउन साइड पर तो अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट ओपन जाएगा नीचे जाएगा कुछ भी हमें अंदाज़ा नहीं हमने है हमने ऊपर की साइड ऑलमोस्ट कैप कर दिए लॉस कैप कर दिया लेकिन रिस्क हमें डाउन साइड पर अभी अगर मार्केट पलट के आ जाए ठीक है तो हमें दिक्कत हो सकती है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में कि रिवर्स बाइंग करेंगे पुट साइड से क्योंकि रिस्क नीचे की साइड है तो हम धीरे 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 ये जो पुट्स का हैज है जो फोर्टी थ्री रुपीज़ को ट्रेड हो रहा है ये धीरे धीरे हम स्टेडल के पास लेके आएंगे ठीक है तो अपर साइड शिफ्ट करते जाएंगे पी साइड अभी देखिए यहाँ पे फोर्टी थ्री रुपीज़ चल रहा है तो ट्वेंटी रुपीज़ के आसपास हम डेबिट देके उसे उस ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट देके आप सिक्सटी वन तक आ सकते हो मतलब टू हंड्रेड पॉइंट्स कवर कर सकते हो आपने बीस रुपये देखे ठीक है अगर आपके पॉकेट से बीस रुपये जा रहे हैं लेकिन आप दो कमा रहे हो यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पे हम टू हंड्रेड स्ट्राइक अप आते हैं ठीक है और प्रीवियस जो लेंगे पुट का वो हम बुक कर लेते हैं ठीक है तो इससे होगा क्या ये जो साइड है धीरे 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 अगर मार्केट रिवर्स आता है इनकेस तो रिवर्स बाइंग ही ऐसी चीज़ है जो हमें बताएगी वोलेटिलिटी में ठीक है अपर साइड तो हमारा कैप है लॉस्ट ठीक है अपर साइड तो हमें पता है कि हम कैसे भी करके रिकवर कर सकते हैं देखिए आप हमेशा प्रॉफिट के पीछे मत भागो कभी भी आपको हमेशा ये देखना है कि आप कैपिटल जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आप ये सीख गए मार्केट की कि, कि आपका कैपिटल आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है तो डेफिनेटली प्रॉफिट आपके पास आएंगे ही आएंगे ऐसा नहीं कि आप हर वीक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करो हर मंथ प्रॉफिट एक्सपेक्ट करो ऐसा होता नहीं ये ट्रेडिंग करते हैं हम ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग कौन सा भी बिज़नेस हो वर्ल्ड में ऐसा आप एवरी डे एवरी वीक एवरी मंथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली सो so, ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि लॉसेज भी होते हैं कभी कभी पूरा मंथ लॉस हो सकता है आपको चारों के चारों एंड फ्लाई लॉस में जा सकते हैं ऐसा नहीं कि कभी कभी चारों के चारों बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इसके पीछे एक ही रीज़न है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर ऐसा हो कि आपको कभी एक एंड एंडफ्लाई लगाया लॉस में चला गया दूसरा लगाया लॉस में चला गया आपने सोचा नहीं ये ये स्ट्रैटेजी ख़राब है मतलब कौन सी भी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ देन ऐसा मत करो आप एटलीस्ट कंसिस्टेंटली चलाओ इसे तीन चार महीने तक देन आप बोल सकते हैं हाँ ये वर्क नहीं कर रहा ठीक है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि पूरे साल तो साल भर में भी प्रॉफिटेबल ना हो लेकिन ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टाइम में ना चले तो आप उस हिसाब से देखो कि आपको मेरा मतलब कहना ये था इसमें कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो क्योंकि आपको फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे एक ही चीज़ मार्केट में बार 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 तो फिर आपको फेयर नहीं लगेगा उस चीज़ आ, कैसे भी सिचुएशन हो मैनेज करने में ठीक है तो यहाँ पर आप देखो हमने रिवर्स बाइंग कर ली है ठीक है सिक्सटी वन पे आ गए तो हम हम अभी क्या करेंगे देखिए हमें एडजस्टमेंट्स इनिशिएट हुई है डिप्लॉय करते ही नेक्स्ट डे अपने वेंसडे को डिप्लॉय किया और थर्सडे को ही एडजस्टमेंट्स इनिशिएट हुई इसका मतलब है आपके पास ऑलमोस्ट फाइव डेज है अनप्लाय मैनेज करने के लिए ठीक है तो अवली फाइव डेज में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने वोलेटिलिटी में कि बजट के पहले वाला मंथ चल रहा है मतलब हाईयर वोलेटिलिटी होती है ये तो प्रूवन है हिस्टोरिकली भी तो आप ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आने वाले पाँच दिन मार्केट आगे ही चला जाएगा या मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आने वाले पाँचों दिन मार्केट पीछे ही चला जाएगा या यहाँ पे ही रहेगा लेकिन हमें सेफ जाना है अभी हमने ऊपर की साइड सेफ कर लिए तो हमें रिस्क डाउन साइड है तो हम वो रिस्क कैप करने की हमेशा ट्राई करेंगे कि कितना उसे कैप करेंगे ठीक है जो भी हम टू परसेंट टू परसेंट से ज़्यादा हम लॉस लेंगे नहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू परसेंट इन सेंस ओवरऑल कैपिटल पे थर्टी टू हंड्रेड के आसपास मतलब तीन हज़ार दो सौ रुपये एक ला दो लॉट के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है उससे ज़्यादा हम लॉस लेंगे नहीं किसी भी सिचुएशन में लेकिन प्रॉफिट भी हम दिखा तो भी हम वन वन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास बुक करोगे करेंगे अगर अभी आप बोलोगे कि लॉस तो टू परसेंट बोल रहे हो प्रॉफिट वन या वन पॉइंट फाइव परसेंट ले रहे देखिए लॉस आपको हमेशा नहीं होगा ठीक है ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कंटिन्यूसली लॉसेस होंगे या कंटिन्यूसली प्रॉफिट होंगे लेकिन हम जो मैनेज कर रहे हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी विनिंग की हाई इसलिए हम जो एस एल टू परसेंट रख रहे हैं और प्रॉफिट वन वन पॉइंट फाइव रख रहे हैं इसके पीछे ये मतलब नहीं कि हमेशा ही आप लॉस बुक करते जाओगे तो प्रॉफिट कभी आएगा ही नहीं हमारे हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी है इसमें प्रॉफिट होने की ठीक है तो इसलिए हमने टू परसेंट लॉस कैप रखा है और प्रॉफ़िट वन वन पॉइंट फाइव परसेंट लिया है जिन जिससे होगा क्या कि आप टू टाइम्स भी अपने ट्रेड में विनिंग हो गया मतलब टू इस टू वन रेशो में तभी तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे इसके पीछे का लॉजिक ये है ठीक है तो फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट से हम देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट होती है इस दिन अभी कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पाँच दिन है अभी भी ठीक है तो हम सीधा चले जाते हैं कि देखते हैं कोई रिवर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें डे एंड तक तो सवा तीन बजे के आसपास हम देखेंगे कोई रिवर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट देखिए क्योंकि गैप बहुत है पाँच दिन है हमारे पास तो पाँच दिन में तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए फिफ्टी फोर है और ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट देखिए आप और 200 हंड्रेड पॉइंट्स तो ऊपर आ ही सकते हैं ट्वेंटी रुपीज़ के आसपास ठीक है तो 47400 के आसपास हम आ गए एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग और प्रीवियस दो ले था हमने बुक कर लिए ठीक है तो आपका इनफ्लाइ कुछ ऐसा दिखा अभी देखिए ये बिंग्स में ऊपर लॉस है थर्ट uh, थ्री थ्री थाउजेंड रुपीज़ के आसपास वो तो कैसे भी हम कवर्स कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं ठीक है थीके? तो वो हमें डर नहीं है कि कैसे ये कवर करेंगे ठीक है तो हम और फाइव मिनट आगे जाएंगे देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा है आपकी डाउनसाइड रिस्क अनलिमिटेड है तो ओवरनाइट में तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में तो ओवरनाइट रिस्क से बचने के लिए अभी हमने एक्स्ट्रा पुट शॉर्ट मारा है तो ऑब्वियसली रिस्क पुट साइड को होगी तो हम उसके लिए ओवरनाइट रिस्क के लिए हम थर्टी फाइव रुपीज का जो भी एक पुट होगा वो हम बाय करके जाएंगे ठीक है तो आपका पे ऑफ ग्राफ देखिए ब्लू लाइन कितनी फ्लैट बन गई अभी आपको डर नहीं है कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुले कुछ आपको डर नहीं है आपके लॉसेस क्या है जो होता है ना अनलिमिटेड लॉस ऐसा कभी होगा नहीं इसमें आपके लॉसेस हमेशा कैप रहेंगे ठीक है तो 15 मिनट हाँ और ये लेक कम हम निकालेंगे ओवर नाइट हाइट जो हम लेके जाते हैं लगभग 9:25 9:30 के आसपास नेक्स्ट डे हम निकालेंगे जैसे ही मार्केट खुलेगा हमें इससे मतलब नहीं ये लेक प्रॉफिट दे लॉस दे ठीक है जो ओवर नाइट हमने बाय करके देखिए है वन हंड्रेड के आसपास उसने लॉस दे दी हमने बुक कर लिया फिर से आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा ही बना ठीक है फिर हम देखेंगे दस बजे के आसपास उससे बजे उसके पहले कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हमें नहीं करनी ठीक है देखिए अभी मार्केट ऊपर चला गया था ठीक है थ्री हंड्रेड के आसपास लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है कि एडजस्टमेंट इनिशिएट करने के लिए तो हम देखेंगे कि साढ़े दस बजे तक हम वेट कर सकते कि क्या कुछ मार्केट ने यहाँ पे हमें मौका दिया है मैं एग्जैक्ट टाइमिंग एडजस्ट कर लेता हूँ टेन ठीक है टू के आसपास आया है मार्केट यहाँ पे हम देखेंगे अभी कोई हमें रिवर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं क्योंकि अभी भी आप फ्राइडे पे खड़े हो एक्सपायरी वेंसडे को है फ्राइडे का पूरा दिन बाकी है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे का भी पूरा दिन तो अभी भी आप ऐसा बोल सकते हो कि चार दिन बाकी है आपके पास तो एडजस्टमेंट इनिशिएट करने के इतनी आ, आ, हरी मत करो कि आप फास्ट फास्ट फ़ास्ट एडजस्टमेंट इनिशिएट करके जाओ ठीक है यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान देन देना है रिवर्स बैंक है आप मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर की साइड का लॉस आपका कैप है ये यह आपको यहाँ पे टू परसेंट दिख रहा है लेकिन हमें एक्स्ट्रा शॉर्ट मानना और बाकी देखिए ये फोर्टी एट टू हंड्रेड है अगर हम ये एक्स्ट्रा शॉर्ट इनिशिएट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी दो ही दो लॉट से गए तो एक लॉट पेंडिंग है तो भी ये ऊपर की साइड आपकी लॉसलेस टू प्रॉफिटेबल बन जाएगी क्योंकि उसमें और एडजस्टमेंट से आगे एडवांस में मतलब जैसे मार्केट ये डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो हम ये पूरा जोन प्रॉफिटेबल बना देंगे तो इसके लिए हम बहुत मतलब कॉशियसली एडजस्टमेंट्स कर ले कि हमें पता है कि कैसे भी करके हम वो जो लेंगे ऊपर की साइड का वो हम लॉसलेस या प्रॉफिटेबल बना देंगे ठीक है तो इसके लिए हमें दिक्कत सिर्फ डायम साइड की है तो देखिए अभी मार्केट इतना ऊपर आया तो हम और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि पुट साइड से कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवर्स बाइंग करने की तो देखिए यहाँ पे आप एटलीस्ट सेवनटीन मतलब सेवनटीन पॉइंट देखें आप हंड्रेड पॉइंट्स तो ऊपर आ सकते हो ठीक है अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ तक आ सकते हो रिवर्स बाइंग करके सैडल के बाजू में ठीक है आपने दो लॉट लिए और यहाँ पे फोर्टी सेवन फोर हंड्रेड आपने बुक कर दिया ठीक है अभी देखो कि आपका एंड फ्लाई अभी आप पुट साइड से एक्सट्रीम सिक्योर हो मैं देखो दिखाऊंगा आपको कि कैसे सिक्योर होते हो आप ठीक है ये हमेशा आप ट्राई करो मैं भी हमेशा ये फॉलो करता हूँ रिवर्स बाइंग कर मार्केट में और आपको इसमें और एड एडवांस एडजस्टमेंट्स है मतलब जो सीरियस लोग हैं तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो कि हमारे लाइव बैचेज़ भी चलते हैं इसके एन फ्लाई के रिलेटेड जो कि फेब मंथ में चालू होंगे तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आप बहुत सीरियस हो एनफ्लाइज के बारे में पर्टिकुलर में एनफ्लाईज़ के बारे में बोल रहा हूँ तो लाइव हैंड होल्डिंग होती है और थेरी सेशन भी होते हैं जहाँ पे मैं बहुत डिटेल वे से ये सिखाता था ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी चीज़ें सिखाता था इस सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है इस सारी चीज़ों के तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी रिलेटेड रिलेटेड टू आनफ्लाई एंड हाउ आनफ्लाई इज़ वर्क कि ब्लू लाइन कैसे बिहेव करती है लॉसेस कैसे कवर करने होते हैं ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको थरली सीखने को मिलेंगी वहाँ पे हमारे एन फ्लाई के आ, मैचेस में तो ऑब्वियसली अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे हम वन मंथ लाइव हैंड होल्डिंग रहेगा हम एन फ्लाई ट्रेड करेंगे एंड सेपरेट क्यूएनाइेशनस भी होते और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी क्योंकि जो भी अपडेट्स आते हैं एंड फ्लैग के रिलेटेड में डेफ़िनेटली एडवांस अपडेट जो होते हैं मतलब एडजस्टमेंट्स अगर कुछ टेस्टिंग पे है ऑलरेडी तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी बताऊँगा आपको ठीक है तो चलिए यहाँ पे देखते फ्राइडे आया है ऑलमोस्ट हम देखते कि क्या एडजस्टमेंट्स हुई है यहाँ पर मार्केट uh, तो अभी हमारे पूरे रेंज में ही है तो मैं सीधा थर्टी थर्टी मिनट्स से आगे चला जाता हूँ ठीक है देखिए हम वोलाटाइल वीक टेस्ट कर रहे हैं ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल डेज है और हम आइन फ्लाई ट्रेड कर रहे हैं ऐसा नहीं ये एक्सट्रीम वोलाटाइल वीक है उसमें हम ये एंड फ्लाई मैनेज कर रहे हैं आइन एंड फ्लाई मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है आइनफ्लाई हाइडर ट्रेंडिंग डेज में चलता है या फिर ट्रेंडिंग टू साइडवेज डेज में आनफ्लाई वर्क होता है लेकिन एक्सट्रीम वोलाटिलिटी में एन फ्लाई Uh, के लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है लेकिन आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट हमेशा वोलाटल होता नहीं है मार्केट हमेशा मोस्टली साइडवेज टू ट्रेंडिंग होता है वोलेटिलिटी बहुत uh, कम बार होती है मार्केट में तो आप उस सिचुएशन में आप लॉसेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि होंगे लेकिन डेढ़ दो परसेंट के ज़्यादा आपको लॉसेस कभी भी होंगे नहीं मार्केट में ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ अगर आप अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखोगे एंड प्लाइन तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको दो परसेंट से ज़्यादा तो लॉस होगा भी नहीं वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नॉर्मल डेज में मैं एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि आपको टू से ज़्यादा लॉसेस होंगे भी नहीं कभी तो यहाँ पर अभी देखिए ऑलमोस्ट डे एंड पे आए फाइ फ्राइडे ठीक है और यहाँ पे हम देखते हैं देखिए हमारा एक्स्ट्रा शॉर्ट खरा है तो एज़ यूजल हमें ओवर नाइट हैज बाई करके जाना है कुछ साइड जो कि थर्टी फाइव रुपीज़ के आसपास होगा देखिए यहाँ पे क्या पे ऑफ ग्राफ बना है आपका ब्लू लाइन एकदम फ्लैट हुई है थर्टी फाइव रुपीज़ हम बाय करेंगे ओवर नाइट के लिए ठीक है फिफ्टीन मिनट जाके देखते हैं नेक्स्ट डे नाइन ट्वेंटी सिक्स को हमें निकालना है प्रॉफिट हो लॉस हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है हमें सिर्फ वो एंड फ्लाई मैनेज करना है ओवर नाइट है सिर्फ ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए हमने लिया था हमें मतलब नहीं वो प्रॉफिट देगा लॉस देगा ठीक है अभी हम सीधा जाते हैं दस बजे के आसपास मैं एग्जैक्ट फिफ्टीन मिनट कर लेता हूँ यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ एडजस्टमेंट है या नहीं देखिए हमारे रेंज में ये तो कोई दिक्कत नहीं है अभी देखिए मार्केट अगर रिवर्स आता है तो जैसे ये एक्स्ट्रा शॉर्ट जो मारा है हमने ये जैसे ही डबल हो जाए मतलब लगभग सिक्स ट्वेंटी के आसपास छः uh, 620 के आसपास 620 हंड्रेड के आसपास इसे हमें कट करना है ये लेक को ठीक है तो हम यहाँ पे देखते हैं आइदर स्टैडल पे आए या फिर डबल हो जाए दोनों में दोनों में जो जो भी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाइड होगी मतलब ये एक्स्ट्रा शॉर्ट ही डबल हो जाए या फिर मार्केट स्टैडल पे आए स्टैडल दिस इज फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड तो आ, हम देखते कि क्या हुआ है थर्टी मिनट यस मार्क रिवर्स आ रहा है मार्केट ऑलमोस्ट आया मैं थोड़ा कॉशियसली आगे जाता हूँ देखता हूँ फोर्टी सेवन सेवन थर्टी नाइन देखिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस है प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है लगभग पॉइंट एट परसेंट के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा अगर आप बुक करना चाहते थे उस समय में आप बुक कर, कर भी सकते हो ऐसा नहीं कि आपको बना रहना है लेकिन मैं पूरा दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कि देखिए यहां पर थोड़ा पीछे लेता हूं देखिए एक मिनट के ही कैंडल में फोर्टी सेवन सेवन मतलब थोड़ा आगे देखे देखते देखें यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक किया मतलब हमारा स्टैडल क्रॉस कर लिया और ये प्राइस देखते देखिए ये प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल हुई है देखा मतलब ऐसा नहीं कि मैं रैंडम कुछ बता रहा हूँ कि ये डबल होने पर क्योंकि जनरली ऐसा होता है और ये डे कौन सा इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है कौन से डे पे कौन से आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वही सारी चीज़ें हम सीखते हैं हमारे हैंड होल्डिंग सेशन में कि कैसा कौन, कौन से कौन से दिन पे क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कैसे एक्सट्रीम सेफ जाना है इस पर इसके एक्चुअली बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है यही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में भी आप जा सकते हो सिचुएशन में उसमें तो बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेकिन ऑब्वियसली रिस्क भी उतना आता है ये सारी चीज़ें आप सीखते हो वहाँ पर अभी यहाँ पर देखो Uh, जो एक्स्ट्रा सोल्ड लगे वो भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है और मार्केट भी ऑलमोस्ट स्टैडल क्रॉस की क्योंकि वन मिनट कैंडल ही इतनी बड़ी है वो इमीजिएट uh, हमारे uh, स्टैडल के नीचे क्लोज हुए तो ऑब्वियसली हम जो शॉर्ट है अभी देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना रिवर्स बाइंग करना है इसके पीछे का लॉजिक है ये देखो मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट कट किया अभी लॉजिक uh, ये देखो कि पे ऑफ ग्राफ कैसा बनता है दिखा पे ऑफ ग्राफ इतना बढ़िया बन गया है इज रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने रिवर्स बाइंग कर करके हम आगे आए थे अभी देखिए ऐसा जैसे आपने लेक कट कर दिया ये अन अनिबन एनप्लाई हुआ है तो इमीजिएटली हम सी साइड से भी देखेंगे तो आ, ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट देखे आप एटलीस्ट टू हंड्रेड पॉइंट्स तो ऊपर तो आ ही सकते हो तो यहाँ पे हम टू तो हंड्रेड पॉइंट्स ऊपर आए सी साइड से क्योंकि ऑब्वियसली अभी सी साइड में रिस्क है तो सी साइड हम कट करेंगे ठीक है तो हमारा पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है आगे अभी हम आगे आगे चले जाते हैं देखिए मार्केट और इसी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही मैं थोड़ा एग्जैक्ट फिफ्टीन मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पे देखते हैं क्योंकि क्या है हमें एंड फ्लाई ईवन बनाना है ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है नाइन फिफ्टीन अभी भी नहीं है हम देखते हैं तीन बजे तक कोई अपॉर्चुनिटी आती है नहीं ठीक है यहाँ पे देखते सवा तीन बजे के आसपास हम देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी फोर्टी एंड सिक्सटी एग्जैक्ट ट्वेंटी रुपीज़ हमें मिल रहे हैं तो और आप अंदर जाओ देखिए यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि कितना प्रॉफिट होगा हमें क्योंकि आपने एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हैंडल ऑलरेडी कर ली है तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे मैं अनफ्लाई को लॉसलेस बना सकता हूँ देखिए आपने ये डेज हैंडल कर लिए तो बाकी डेज में तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा अगर आप इतने अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखोगे एंड फ्लाई को तो ठीक है देखिए आपका एन फ्लाई इतनी वोलेटिलिटी में इतना अच्छा बन गया अभी ऊपर की साइड का लॉस कैप है जो कि टू परसेंट से भी अंदर है मतलब आपने यहाँ पे ऐसे भी एंड फ्लाई छोड़ दिया तो भी आपको वन पॉइंट फाइव परसेंट से ज़्यादा लॉस होगा भी नहीं और यहाँ पर ऑलरेडी आपको इलेवन हंड्रेड के आसपास आपका प्रॉफिट चल रहा है और आपके ऑलरेडी दो शॉर्ट भी बाकी एक्स्ट्रा माने जो कि हमने अभी तक मारे नहीं है जो भी एक्स्ट्रा शॉर्ट हैं ठीक है नेक्स्ट डे देखते हैं ठीक है क्योंकि अभी एक्स्ट्रा शॉर्ट खड़ा नहीं था कोई ओवर नाइट है बाय करने की हमें जरूरत थी नहीं क्योंकि लॉसेस अभी लिमिटेड है एक्स्ट्रा शॉर्ट जब खड़े होते हैं देन हमें ओवर नाइट की रिस्क होती है ठीक है तो हम देखते हैं कि क्या हुआ अभी देखिए यहां फोर्टी सेवन नाइन थर्टी मतलब हम देखेंगे कि फोर्टी एट थाउजेंड के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है फिफ्टीन मिनट कोई भी कैंडल देन हम एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो ट्वेंटी वन हंड्रेड लॉस है आप कभी भी रिकवर कर सकते हो ठीक है तो अभी कोई हरी नहीं है हमने बहुत कंट्रोल में लाए हमारा एंडफ्ला हमारे लॉसेज भी डेढ़ परसेंट के अंदर लाए और अभी हमें सिर्फ देखता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पार्ट ठीक है तो हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को ये हम देखेंगे एक मिनट पीछे लेता हूँ यहाँ पे फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट आगे चले जाते हैं अगर ये साइड भी चला जाता मार्केट तो हमारे फिर से एक्स्ट्रा शॉर्ट मार देते और फिर से ये साइड लॉसले लॉसलेस नहीं प्रॉफिटेबल ही बन जाती ऑब्वियसली लॉसलेस तो बनती ही नहीं ठीक है 15 minute, 15 मिनट, मिनट। देखिए प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है आपको यहां पे तो आप ऑब्वियसली क्लोज कर सकते हो फ्लाई देखिए अभी इस सिचुएशन में अगर आपको फ्लाई लॉसलेस बनाना है ठीक है तो सीधा आप ये एक हेज इसके बाजू में आके जाओ मतलब टेन पॉइंट्स डेबिट देके अगर आप यहां पे आ गए ठीक है और ये लेक आपने क्लोज कर दिया तो आपका हैंड एनप्लाय देखो लॉसलेस बन गया ठीक है तो ये सारी चीज़ें और अगर आपको और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन कर देखिए अभी ट्यूसडे वेजडे के दिन आ, बहुत टाइम है वेजडे के लिए ठीक है मतलब एक एक्सपायर एक दिन पूरा बाकी है तो मैंने आपको सिर्फ वे आउट दिखाया कि आप कैसे लॉसलेस बना सकते हो एनप्लाय को लेकिन मैं आगे चला जाऊँगा क्या होता है सॉरी मैंने कौन सा लेग कट कर दिया यहाँ पर फिफ्टीन मिनट पीछे चला जाता हूँ सी ठीक है अच्छा ये लिख था हमारा ठीक है जैसे मैंने लॉस लिस्ट बना के आपको यहाँ पे दिखाया अभी दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे ये यह चीज दिखाता हूं अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है तो आप दूर से भी शॉर्ट मार सकते हो मतलब यहां पे अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट भी मारोगे तो भी आपका फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा डबल शॉर्ट अगर मार के भी खड़े हो जाओ तो आपका एंड फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा वहाँ पे आप यहाँ पे आप लगभग वन परसेंट के आसपास प्रॉफिट ले भी जा सकते हो ठीक है तो मैंने यहाँ तक प्रोसेस तो बता दी आपकी पूरी कि आप कैसे आप फ्लाई यहाँ तक लॉस लेंस बना सकते हो ठीक है तो देखिए ऐसा नहीं है कि लॉसेस होते नहीं हैं फ्लाई में ठीक है एनफ्लाई में मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं अभी मैंने बहुत रिसर्च किया इन सारी चीज़ों पे पहले तीन चार सालों से मैं ये चीज़ें करते आ रहा हूँ डे बाय डे नई चीज़ें नई एडजस्टमेंट्स टेस्टिंग में चल रही है मेरी हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत सीरियस हो पर्टिकुलर एंड फ्लाईज़ के बारे में तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है फेब में जो नई बैच चालू होने वाली है इसके लिए और येस कि ऐसा नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रैंडम कुछ भी सिखा रही है अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो कंसिस्टेंटली सिर्फ फ्लाई ही दिख रहा है इसका मतलब ये है कि मैं जो चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ एक्सपर्ट हूँ एक्सपर्ट इन द सेंस कि मैंने आ, इतना एक्सपीरियंस है जिस उन चीज़ों का वही मैं आपको सिखा रहा हूँ सिखाने का तो मैं कैलेंडर सिखा सकता हूँ रेशोज और सारी बहुत कुछ चीज़ें लेकिन जो मैं खुद कर रहा हूँ वही मैं आपको सिखाऊँगा इससे आपको भी ज़्यादा फ़ायदा हो यही मेरा एम है ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा अगर डेफ़िनेटली लाइक like, uh, अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक like करो शेयर करो और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैंफाई के बारे में मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूंगा सो थैंक यू गाइज